हम ले एक मिनट चले चल रहे हैं जरा सा, हम केजरीवाल ने बोलना शुरू कर दिया है। सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला साल आपके लिए, आपके व्यक्तिगत तौर पे, आपके परिवार के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, सबके लिए मंगलमय हो। एक चीज जो आज चर्चा में उठी, भ्रष्टाचार। मैं इस सदन को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का कोई भी मामला हो, चाहे वो पिछले 15 साल में दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार किया हो, चाहे वो एमसीडी में हुआ हो, चाहे हमारी सरकार के दौरान कोई भ्रष्टाचार करे, मैं सदन को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं सदन को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी कौन है? अभी बहुत ही माननीय सदस्य ने कहा कि रैन बसेरे में रहने वाला व्यक्ति आम आदमी है, चने और कुलचे बेचने वाला आम आदमी है, चाय की रेड़ी लगाने वाला आम आदमी है, बिल्कुल वो आम आदमी है। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी इस देश के अन्य लोगों को आम आदमी नहीं मानती, लेकिन आम आदमी पार्टी इस देश के मिडिल क्लास के लोगों को भी आम आदमी मानती है, इस देश के हर उस शख्स को आम आदमी मानती है जो इस देश में एक ईमानदार व्यवस्था चाहता है, जो इस देश में आज एक बेईमान व्यवस्था चाहता है और बेईमानी से जीना चाहता है, वो खास आदमी है, चाहे उसके पास पैसे कम हो चाहे पैसे ज्यादा हो। लेकिन जो व्यक्ति आज इस देश के अंदर ईमानदार व्यवस्था चाहता है, चाहे वो ग्रेटर कैलाश में रहता हो चाहे झुग्गी में रहता हो, वो इस देश का आम आदमी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने इस देश के आम आदमी की व्यथा रखना चाहता हूं। मैं बहुत सारी चीजें बोलूंगा, मेरी बातें किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है और ना ही किसी पार्टी विशेष के खिलाफ है। हमारी किसी पार्टी से दुश्मनी नहीं है, हम यहां पार्टियों की राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं और ना मैं आज यहां पे सरकार बनाने के लिए या बचाने के लिए या सत्ता में आने के लिए यहां पे आज खड़ा हुआ हूं। हम लोग कौन है, ये 28 लोग कौन है? इनमें ये वंदना है, हाउसवाइफ है ये, क्या जरूरत पड़ी थी इसको चुनाव लड़ने की? वो पीछे अखिलेश मणि त्रिपाठी खड़ा है, दिल्ली में सिविल सर्विसेज के एग्जाम देने के लिए आया था, क्या जरूरत पड़ी थी उसको चुनाव लड़ने की? वो पीछे धर्मेंद्र कोहली है, उसकी बहन का कत्ल हो गया, शहीद हो गई उसकी बहन। हम सब बाहर के लोग थे, आम आदमी थे, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, बहुत मामूली लोग हैं, हमारी कोई औकात ही नहीं, सोचा था पार्टी बनाएंगे। लेकिन आज इस सदन को सोचना पड़ेगा कि इस देश के आम आदमी को चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। इस देश का आम आदमी क्या चाहता है? इस देश का आम आदमी चाहता है कि उसको दो वक्त की रोटी मिल जाए, इस देश का आम आदमी चाहता है उसको तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए, इस देश का आम आदमी चाहता है उसके सर पे छत हो और उसके घर में बिजली पानी हो, इस देश का आम आदमी चाहता है कि उसके बच्चों को शिक्षा मिल जाए, इस देश का आम आदमी चाहता है कि मेरे घर में कोई बीमार हो तो उसका इलाज हो जाए, इस देश का आम आदमी चाहता है कि उसके बच्चे सुरक्षित हो, उसका परिवार सुरक्षित रहे, सुरक्षा चाहता है इस देश का आम आदमी, और इस देश का आम आदमी चाहता है उस एक अच्छी न्याय व्यवस्था, बस यही चाहता है इस देश का आम आदमी। लेकिन आज 65 साल में उसको ये व्यवस्था नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, ये सोचने की जरूरत है और हम सब लोगों को सोचने की जरूरत है। इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स नहीं है, हम सब लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि 65 साल में इस देश के आम आदमी को ये 6-7 चीजें क्यों नहीं मिल पाई।
अभी दो दिन पहले मैं पढ़ रहा था, दिल्ली के अंदर दो लोग ठंड के अंदर ठिठुरते हुए मर गए। अब इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सब लोगों को मिलकर सोचना पड़ेगा, इस सदन को सोचना पड़ेगा, दिल्ली के लोगों को सोचना पड़ेगा। आजादी के बाद से आज तक पता नहीं अरबों खरबों कितने करोड़ों अरबों खरबों कितने पैसे खर्च हो गए। अगर वो पैसे ठीक खर्च हो जाते तो शायद इस देश के व्यक्ति को ये सब तो मिल जाता जो छोटी छोटी उसकी ख्वाहिशें हैं, लेकिन वो सारे पैसे गए कहां, ये इस देश का आम आदमी जानना चाहता है। वो पैसे कहां गए सारे के सारे, वो सारे इस देश की राजनीति की भेंट चढ़ गए। इस देश की राजनीति भ्रष्ट हो चुकी है, हमें मानना पड़ेगा। इस देश की राजनीति खराब हो चुकी है, इस देश की राजनीति का प्राधिकरण हो चुका है। आज शिक्षा खराब है क्योंकि राजनीति खराब है, आज स्वास्थ्य खराब है क्योंकि राजनीति खराब है, आज बिजली पानी सड़कें खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। हम सब लोगों को मिलकर इस देश की राजनीति को सुधारना पड़ेगा। जब आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया बहुत ज्यादा, तो दो साल पहले इस देश के आम आदमी ने, आम औरतों ने, आम बच्चों ने, आम बूढ़े लोगों ने, सब लोगों ने सड़क के ऊपर उतर के, लाखों करोड़ों लोगों ने सड़क के ऊपर उतर के आंदोलन किया और कहा अपने नेताओं से, आदरणीय नेताओं से, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाओ, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजो। लेकिन इस देश के नेताओं ने उनकी नहीं सुनी। इस देश के नेताओं ने इस देश के आम आदमी को ललकारा कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ। इस देश के नेताओं ने ललकारा इस देश के आम आदमी को, कर हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ और खुद सदन में आ जाओ और खुद अपना कानून बना लो। उन्हें लगा, इस देश के नेताओं को लगा कि इस देश का ये आम आदमी तो मरा हुआ आदमी है, कुचला हुआ आदमी है, ये क्या चुनाव लड़ेगा, ये हमारे सामने क्या खड़ा होएगा, हमारे पास तो इतना पैसा इतना बाहुबल है, इस देश का आम आदमी क्या चुनाव लड़ेगा। लेकिन शायद इस देश के नेताओं ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। वो भूल गए कि इस देश के खेतों के अंदर आम आदमी हल जोतता है, नेता हल जोतने के लिए नहीं जाते। इस देश का आम आदमी कपड़ा बनाता है, नेता कपड़े नहीं बनाते। इस देश का आम आदमी मकान बनाता है, नेता मकान नहीं बनाते। इस देश का आम आदमी ऑटो चलाता है, नेता ऑटो नहीं चलाते। इस देश का आम आदमी चांद पे जाता है, नेता चांद पे नहीं जाते। इस देश का आम आदमी रिसर्च करता है, नेता रिसर्च नहीं करते। जब इस देश के आम आदमी के पास कोई चारा नहीं बचा, तो इस देश के आम आदमी ने तय कर लिया कि ठीक है, इस बार चुनाव भी लड़के दिखाएंगे। पैसे तो थे नहीं और भ्रष्ट राजनीति से लड़ना था, गलत पैसा ले नहीं सकते थे, तो लड़ाई राजनीति को साफ करने की थी। इसीलिए तय किया, हारे या जीते, सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। सच्चाई के रास्ते पे लड़ाई शुरू हुई, एक लगभग असंभव सी लड़ाई थी। किसने सोचा था एक साल पुरानी पार्टी 28 सीट जीत जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था। असंभव लड़ाई थी, जीत की संभावना बिल्कुल जीरो लग रही थी, नेता मजाक उड़ाते थे हमारा। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, ये असहाय का साथ देते हैं। सच्चाई हार नहीं सकती। 4 दिसंबर को और 8 दिसंबर को चमत्कार हुआ, आम आदमी जीत गया। इस देश के आम आदमी की जीत हुई। अध्यक्ष महोदय, पहले मैं भगवान पर यकीन नहीं किया करता था, लेकिन मुझे यकीन हो गया कि भगवान तो है, ईश्वर तो है, कहीं ना कहीं कुछ तो है। सच्चाई कभी हार नहीं सकती। दिल्ली के आम लोगों ने इस देश से भ्रष्ट राजनीति को उखाड़ने की दिशा में पहला कदम उठाने की जरूरत की है। तो अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि आम आदमी की इस लड़ाई में इस सदन का कौन कौन सदस्य आम आदमी के साथ खड़ा है। यह लड़ाई देश से भ्रष्ट राजनीति समाप्त करके सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति कायम करने की लड़ाई है।
आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि सदन का कौन कौन सदस्य देश में सच्ची और ईमानदार राजनीति कायम करने की इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता है। दिल्ली के आम आदमी के कुछ मुद्दे हैं, इनमें 17 मुद्दे मैं इस सदन के समक्ष रख रहा हूं। और आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि कौन कौन सदस्य इन मुद्दों का समर्थन करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस देश के अंदर एक अजीब किस्म का वीआईपी राज है। एक मंत्री जाता है तो सारा ट्रैफिक रोक देते हैं। क्यों रोकते हैं भाई? कहते हैं जी मंत्री जी का समय बड़ा कीमती है, ट्रैफिक लाइट में खड़े हो गए तो उनका समय बर्बाद हो जाएगा। मैं तो बहुत मामूली आदमी हूं, मैंने बताया 6 ही दिन हुए हैं 7 ही दिन हुए हैं, मैं तो 6-7 दिन से ट्रैफिक लाइट पे भी रुकता हूं, मेरा तो कोई टाइम खराब नहीं हुआ अभी तक। कहा जाता है कि उनकी सुरक्षा को खतरा है। देखो जी, जब तक ऊपर वाले की इच्छा है तब तक आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और जिस दिन ऊपर वाले की इच्छा खत्म हो गई तो पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देख लो, कोई आपको बचा नहीं सकता, चाहे कितने बॉडीगार्ड आप लगा लो। तो हम चाहते हैं कि दिल्ली से ये वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए और इस देश से भी ये वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है जन लोकपाल बिल का। मैं सहमत हूं, श्री हर्षवर्धन जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर एक लोकायुक्त कानून है, पर वो बहुत कमजोर है सर, वो कानून बहुत कमजोर है, उस कानून के अंदर कुछ नहीं कर सकते। आपने तो देखा है पिछले कई सालों में जो लोकायुक्त कहते हैं उसको कूड़े के डिब्बे में डाल दिया जाता है, उसको तो बदलने की जरूरत है। तो दूसरा हमारा मुद्दा है कि दिल्ली के अंदर एक सख्त कानून पास किया जाए भ्रष्टाचार के खिलाफ। ऐसा कानून पास किया जाए कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो भ्रष्टाचारियों की रूह कांप उठे। भ्रष्टाचारियों को जेल होनी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और इसी कानून के अंदर यह होना चाहिए, आज इस देश का आम आदमी जब किसी सरकारी विभाग में काम करवाने जाता है, राशन कार्ड बनवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, वृद्धावस्था पेंशन लेनी हो, कुछ भी करना हो, पैसे देने पड़ते हैं, बिना पैसे के काम नहीं होता। तो इसी कानून के अंदर सिटीजन चार्टर का भी होना चाहिए कि हर काम की समय सीमा तय हो। अगर उतने समय में काम नहीं होगा, अधिकारियों को सारे रिसोर्सेज दिए जाएं ताकि वो काम कर सके समय सीमा में, लेकिन अगर उतने कम समय में काम नहीं होगा तो फिर कोई ना कोई पेनल्टी तो लगनी चाहिए उस अफसर के ऊपर, इसका भी प्रावधान इस कानून के अंदर हो। यह हमारा दूसरा मुद्दा है। आज दिल्ली के अंदर एक बड़ी अजीब व्यवस्था है, दिल्ली क्या पूरे देश के अंदर, राशन कार्ड लोगों के नहीं बनते। छोटी सी चीज है, राशन कार्ड बनने चाहिए, व्यवस्था के अंदर खुद ही बन जाने चाहिए। उसके बाद वो बेचारा काउंसलर के पास जाता है, वो बेचारा एमएलए के पास जाता है, वो बेचारा फिर मुख्यमंत्री के पास आता है, फिर भी उसका राशन कार्ड नहीं बनता। आज आपको अपने इलाके में कुछ भी काम कराना हो, आप कहीं जाके कह दो जी वो स्ट्रीट लाइट खराब है, उसका बल्ब ठीक करा दो। रात को मेरी बेटी कॉलेज से आती है तो इसीलिए वो असुरक्षा होती है, आप किसी के पास चले जाओ, सरकार कहेगी पैसा नहीं है। लेकिन हम देखते हैं एक ही फुटपाथ तोड़ तोड़ के बनाते रहते हैं, पैसा तो है, पैसे की तो कमी नहीं है, लेकिन जो जनता चाहती है वो काम नहीं होते। सरकार या तो अपने बंद कमरों में निर्णय ले लेती है, उसमें कोई भी कारण हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, भाई जब तक 50 करोड़ से कम का काम नहीं होगा तो काम ही नहीं समझते, 100 करोड़ से कम का काम नहीं होगा तो काम ही नहीं समझते। मेरे इलाके में सरकारी पैसा कहां खर्च होना चाहिए ये अब इस देश के नेता और अफसर तय ना करें, ये इस देश की जनता तय करे, उस इलाके के लोग तय करें। इसलिए तो हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, इसलिए थोड़ी लड़ी थी कि वो अंग्रेज चले जाएंगे और दूसरे किस्म के लोग आ जाएंगे,
इसलिए थोड़ी लड़ी थी कि पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा करते थे, अब अपने नेताओं के चक्कर काटेंगे, अफसरों के चक्कर काटेंगे। तो हम दिल्ली के अंदर शुरू करना चाहते हैं, स्वराज की परिकल्पना है हम लोगों की, इसी को स्वराज कहते हैं, सीधे जनता का राज, मेरा राज, जनता का राज। ये स्वराज का कानून हम दिल्ली के अंदर लाना चाहते हैं। ये तीसरा मुद्दा है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। इसमें तो मुझे लगता है किसी पार्टी को, बीजेपी के भी मैनिफेस्टो में, कांग्रेस भी इसके लिए लड़ती रही है, आम आदमी पार्टी भी ये मांग कर रही है। पांचवा मुद्दा है बिजली कंपनियों का ऑडिट। ऑडिट तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। और बिजली कंपनियों का ऑडिट होने के बाद जो रिपोर्ट आए वो इस देश की जनता के सामने रखी जाए, और उसके बाद हम सब लोग मिलकर तय करें कि बिजली के रेट क्या होने चाहिए। इसमें पार्टीबाजी ना करें, कोई कहता 30%, कोई कहता 50%, ये सारी अलग है। हम सारे मिलकर तय करें कि दिल्ली के अंदर बिजली के रेट क्या होने चाहिए, लेकिन एक सच्चाई पता तो चले कि इन बिजली कंपनियों में आखिर हो क्या रहा है। ये हमारा पांचवा मुद्दा है। छठा मुद्दा, कई बार आरोप लगाया गया है कि दिल्ली के अंदर मीटर बड़े तेज चल रहे हैं, इसके कई आंकड़े भी दिए गए हैं, इन मीटरों की जांच होनी चाहिए। सातवां मुद्दा, दिल्ली में पानी की व्यवस्था। कई सारे माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। दो मुद्दे हैं पानी को लेके, एक तो मुद्दा यह है कि दिल्ली के अंदर पानी के बिल बहुत आ रहे हैं जी। कुछ लोगों ने कहा कि मीटर तो 4 लाख हैं, 5 लाख हैं, जितने भी हैं, लेकिन जो बिल आ रहे हैं वो बहुत आ रहे हैं, और जनता बहुत ज्यादा दुखी है उन बिलों से, तो उनको तो थोड़ी रिलीफ मिलनी चाहिए। उनको अगर, चलिए मान लीजिए 4 ही लाख लोगों को मिल गई रिलीफ, क्या फर्क पड़ गया। चलिए मान लीजिए 2 ही लाख लोगों को मिल गई रिलीफ, 2.5 लाख लोगों को मिल गई रिलीफ, अच्छा ही काम हुआ ना, कोई बुरा तो नहीं हुआ। तो एक तो बिल की समस्या है, दूसरी समस्या है पानी पहुंच नहीं रहा लोगों के घरों में। इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर, तो अभी कितना पानी दिल्ली में आ रहा है, मैंने दिल्ली जल बोर्ड के CEO साहब को बोला है कि जरा बताएं तो सही कि डेली बेसिस पे पता तो चले कि दिल्ली के अंदर कितना पानी आया, कितना पानी किस इलाके में गया, ताकि हम उसको वेबसाइट पे डाल देंगे जी, भाई आज इतना पानी आया था, इतना पानी इस इलाके में गया। वाटर मीटर तो लगाओ जगह जगह। उसके बाद जिन जिन इलाकों में, एक माननीय महोदय ने संगम विहार का नाम लिया, संगम विहार है, देवली है, अंबेडकर नगर है, मैरोली है, वसंत कुंज है, कई इलाकों में पानी नहीं आ रहा जी, तो पता तो चले कितना पानी आ रहा है, और जिन इलाकों में पानी नहीं आ रहा उस पानी को पहुंचाने की क्या व्यवस्था की जाए, ये हम सब लोगों को मिलकर बैठ के सोचने की जरूरत है। यह सातवां मुद्दा है। आठवां मुद्दा है दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों का। अभी अभी सरकार बनी है, हम चाहते हैं और आप लोग भी चाहते हैं, आज सबकी बातों से, बातें सुन के मुझे अच्छा लगा, सारी पार्टियां चाहती हैं कि इस दिल्ली के जो लोग अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर रह रहे हैं वो बहुत ही गंदी जिंदगी जी रहे हैं, ना उनकी बेसिक सुविधाएं हैं उनके पास, उनको बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसका समाधान ये सदन ही निकालेगा, हम सब लोगों को मिलकर उसका समाधान निकालने की जरूरत है। नौवां मुद्दा है दिल्ली की झुग्गी बस्तियां। कोई भी आदमी झुग्गी में मर्जी से तो नहीं रहता, गरीबी में ही रहता है, तो इन झुग्गी बस्ती वालों के लिए भी हमें कुछ समाधान निकालना पड़ेगा, और जब तक समाधान ना निकले इनकी झुग्गियां ना तोड़ी जाएं, क्योंकि एक आदमी का जब घर टूट जाता है ना जी, उसके पास कुछ नहीं बचता, उसके बाद वो सड़क पे आ जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं तो झुग्गी डालेगा, आप इधर से तोड़ दो तो वो उधर डाल लेगा, वो उधर से तोड़ दो तो इधर डाल लेगा, कुछ समाधान निकालना पड़ेगा इनका। ठेकेदारी के ऊपर कई लोग रह रहे हैं, एक माननीय सदस्य ने मुद्दा उठाया, मैं बिल्कुल सहमत हूं जी, लेकिन अभी 4 ही दिन की सरकार है, आपके साथ बैठ के ही इसका भी समाधान निकालेंगे कि ठेकेदारी में उनसे 10,000 रुपए पे दस्तखत कराते हैं, 4,000 रुपए उनके हाथ पे रखते हैं, 20,000 पे दस्तखत कराते हैं, 8,000 रुपए उनके हाथ पे रखते हैं, उनका PF काटते हैं, जमा नहीं कराते, उनका ESI नहीं जमा कराते, तो इनका शोषण भी बंद करना पड़ेगा इन ठेकेदारी पे काम करने वाले लोगों का। 11वां मुद्दा है व्यापार एवं उद्योग। इस दिल्ली के व्यापारी, बहुत सारे व्यापारी आते हैं मेरे पास, इस देश का 99% व्यापारी ईमानदारी से काम करना चाहता है जी, लेकिन हमारी व्यवस्था पूरी ऐसी बनाई गई है कि हर व्यापारी को एक चोर की
निगाह से पूरी व्यवस्था देखती है, सरकार देखती है, सरकार ये सोचती है, हर व्यापारी को ये सोचती है इसने चोरी कर रखी है। व्यापारी ये कहता है मेरे से टैक्स ले लो लेकिन मेरा पीछा तो छोड़ो, मेरे को धंधा तो करने दो। वो टैक्स खुशी खुशी देना चाहता है लेकिन वो ईमानदारी से काम करना चाहता है। तो इस पूरी व्यवस्था का भी अपने को सरलीकरण करना पड़ेगा, सबको बैठ के सरलीकरण करना पड़ेगा। रिटेल में FDI, हम तो इसका विरोध करते हैं और बीजेपी भी इसका विरोध करती है, तो मुझे तो लगता नहीं सदन में इसकी कोई दिक्कत होनी चाहिए। दिल्ली के गांव देहात, आज दिल्ली में किसान को किसान नहीं समझा जाता। दूसरे राज्यों के अंदर बीज पे सब्सिडी मिलती है, खाद पे सब्सिडी मिलती है, दिल्ली के किसानों को नहीं मिलती। मुझे तो लगता नहीं भी किसी को भी इस पे एतराज होगा कि दिल्ली के किसानों को भी किसानी का दर्जा तो मिलना चाहिए, और अगर उनके भूमि का अधिग्रहण होता है तो जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। लाल डोरा का विस्तार होना चाहिए। 14वां मुद्दा है शिक्षा। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। कोई अपने बच्चे को चाह के सरकारी स्कूल में तो नहीं भेजना चाहता। मुझे नहीं लगता हमारे में से यहां पे किसी के भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे में से किसी का भी कोई भी आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता। सरकारी स्कूलों की हालत सुधरनी चाहिए, सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, और प्राइवेट स्कूलों ने जो धांधली मचा रखी है दिल्ली के अंदर डोनेशन के नाम पे, फीस के नाम पे, डोनेशन का सिस्टम तो बंद करना चाहिए। और यह फीस कैसे तय की जाती है इसका कोई पारदर्शी तरीका निकालना चाहिए, कोई फॉर्मूला निकालना चाहिए। 15वां मुद्दा स्वास्थ्य का। आज किसी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, बहुत बुरा हाल है वहां पे। तो सरकारी अस्पतालों के अंदर प्राइवेट अस्पतालों से भी अच्छा इलाज होना चाहिए। 16वां मुद्दा है महिला सुरक्षा का, कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अलग स्पेशल महिला सुरक्षा दल बनाया जाए। दिल्ली के अंदर पिछले एक साल में कई रेप हुए। अखबार में मैंने एक पढ़ा था 15 अक्टूबर तक लगभग 1330 रेप हो चुके थे। एक दामिनी के बारे में तो अपने को पता, दामिनी का मुद्दा तो खूब उठ गया, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बन गया, 7-8 महीने में उनको सजा भी मिल गई। बाकी 1329 केसेस का क्या हुआ किसी को पता ही नहीं, वो खुलेआम घूम रहे हैं, 20 साल चलते रहेंगे केस। तो कम से कम ऐसी व्यवस्था तो हो अपनी न्याय व्यवस्था कि महिलाओं के साथ अगर कोई गलत काम हो तो उस मामले में 3 से 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को सजा मिलना चाहिए, उसकी ट्रायल पूरा होकर उसको सजा मिलनी चाहिए, और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और आखिरी मुद्दा है न्याय व्यवस्था, कि आज कई कई सालों तक केस लंबित पड़े रहते हैं। ये तो हम सब लोग मिलकर कर ही सकते हैं कि दिल्ली में जितनी अदालतें हैं, निचली अदालतें, इनकी संख्या बढ़ाई जाए, इनके जजों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि लोगों को जल्दी उनके केसों का निपटारा हो सके। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा, मैं अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांगने नहीं आया जी, मैं अपनी सरकार के लिए भी समर्थन मांगने नहीं आया। मैं दो मिनट पूरा कर लेता हूं, बस आखिरी तीन आखिरी तीन लाइन बची है जी, आखिरी तीन लाइन बची है। मैं 3 प्रश्न रखना चाहता हूं इस सदन के सामने। जैसा मैंने कहा था कि दिल्ली के आम लोगों ने इस देश से भ्रष्ट राजनीति को उखाड़ने की दिशा में पहला कदम उठाने की जरूरत की है। आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि आम आदमी की इस लड़ाई में इस सदन का कौन कौन सदस्य आम आदमी के साथ खड़ा है। दूसरा प्रश्न है, ये लड़ाई देश से भ्रष्ट राजनीति समाप्त करके सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति कायम करने के लिए आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि इस सदन का कौन कौन सदस्य देश में सच्ची और ईमानदार राजनीति कायम करने की इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता है। और तीसरा प्रश्न, मैंने इस सदन के सामने 17 मुद्दे रखे हैं जी, आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि कौन कौन सदस्य इन मुद्दों का समर्थन करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव मेरे साथी मनीष सिसोदिया द्वारा पेश किया गया है
उसे सदन द्वारा पास किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।